प्रजापिता भी दूसरों को नहीं समझा सकता सुना सकता कि मेरा ये पार्ट है। भले यज्ञ के आदि में पार्ट वो ही चलता रहा, वो पार्ट जिसके लिए मुरली में बोला है, रानियों को भगाया, मक्खन चुराया, ये कथा कहानी प्रजापिता की है। क्या कहा? ये कहानी ब्रह्मा की नहीं। ब्रह्मा की नहीं है। तो वो अंदर से पक्का निश्चय बुद्धि वो भी नहीं था, ये भगवान का पार्ट वास्तव में किसका है। तो संयोग नहीं शक्ति की तो बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता। सन 76 होते होते जो अव्वल नंबर भक्ति है, तुम सब भक्तियां हो। मैं हूं एक राम, तो कौन ज्ञानी तू आत्मा हुई अव्वल नंबर, और अव्वल नंबर भक्ति कौन हुई? जगदम्बा अव्वल नंबर भक्ति है? अव्वल नंबर भक्ति दोनों माताओं के बीच में किसको कहें? छोटी मम्मी को अव्वल नंबर भक्ति कहें। अरे सुनने सुनाने वाली को कहा जाता है भक्ति। भक्ति में क्या होता है? सुनना और सुनाना, और समझने समझाने वाले में क्या होता है? ज्ञान। जो समझेगा वो ही दूसरों को समझाएगा, जो समझेगा पहले खुद धारण करेगा, खुद धारण करके फिर दूसरों को भी समझाएगा। तो समझने समझाने वालों में जो ज्ञानी तू आत्मा है मुझे प्रिय है, वो सिर्फ सुनने सुनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा हुए, या प्रैक्टिकल जीवन में पहले पहले धारण करके संसार के सामने प्रत्यक्ष होने वाले ज्ञानी तू आत्मा हुए? प्रैक्टिकल में धारण कर। ज्ञान होता है एक सुनना, दूसरा होता है समझना, तीसरा होता है सुनाना समझ करके, और चौथा होता है अपने जीवन में धारण करके दूसरों को सुनाना। तो ज्ञानी किसको कहा जाएगा? स्वयं धारण करके फिर दूसरों को सुनाए। तो सुनाना सुनाना ये भक्ति, और समझना और फिर समझाना ये हुआ ज्ञान। तो ज्ञानी तू आत्मा कौन हुई? हाँ, अंदर से जिसने समझ लिया, लेकिन बग 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 करके ढोल नहीं बजाया। भक्ति में क्या करते हैं? ढोल बजाते हैं, वाणी सुनाते हैं, या पहले धारणा करके दिखाते हैं। और सबसे ज्यादा वाणी चलाने का काम कहाँ कौन से धर्म स्थानों में होता है? अरे दुनिया में इतने धर्म स्थान है, उनमें सबसे जास्ती वाणी सुनने सुनाने का धंधा कहाँ होता है? पता ही नहीं है? इस्लामी सुनने सुनाने का धंधा नहीं होता है। तो मस्जिद में चुपचाप खड़े होके बैठ के उकड़ू बैठ के नमाज पढ़ते हैं, वाणी नहीं चलाते जाते। मंदिरों में, मंदिरों में सबसे जास्ती सुनना सुनाना होता है। आपने इसका मतलब सब तरह के धर्म स्थान देखे नहीं? बताओ, इस्लाम धर्म में तो सुनना सुनाना इतने जाती नहीं होते, ज्ञानी नहीं होते है? बनारस में, ये बनारस नहीं कहा, धर्म स्थान पूछा। अरे हिंदू मुसलमान सिख है ईसाई बौद्ध, जिनके धर्म स्थान होते हैं ना उनका अलग नाम होता है। हाँ, गुरुद्वारे में सबसे जास्ती वाणी चलती है। अभी भी किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, नौबत बज रही होगी, गुरुवाणी जो है हर गुरुद्वारे में 24 घंटे गुरुवाणी चलती ही रहती, अखंड पाठ चलता है। तो सबसे ज्यादा वाणी कहाँ चलती है? गुरुद्वारों।
तो जो सुनने सुनाने वालों की अम्मा होगी, भक्तों की माँ होगी, उसका ज्ञान मार्ग में बाबा ने नाम क्या बताया है फर्स्ट क्लास भक्तिन का? अरे फर्स्ट क्लास भक्त का नाम बताया हुआ है, अब फर्स्ट क्लास भक्तिन का भी नाम बताया हुआ है, मीरा। ये जो बोल रहा है ये जो बोल रहा है ससो पंजे तो मीरा ने अपने जीवन में क्या किया, मीरा के जीवन में क्या बात प्रसिद्ध है? विष पिया, निंदा का विष पिया, विष को प्यालो राणाई भेजो, तो उसने मीरा हाँ सीरे और खुशी खुशी पी गई। क्या राणा ने आदेश दे दिया ये पियो, क्यों 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 भेजो है? अरे मर जाए तो ठीक है, लेकिन उससे रिजल्ट क्या होता है? विष पीने का रिजल्ट क्या होता है? कोई कोई ऐसे भी विषैले लोग होते हैं जो सांपों का विष पी जाते हैं और जिंदा रहते हैं, इतने विषैले हो जाते हैं। अच्छा विष पीने वालों में सबसे ज्यादा गायन किसका है? शंकर जी का, वो तो जगत पिता है। तो जो सहयोगी शक्ति होगी कम होगी क्या? उसका भी पार्टी ही ऐसा है। क्या महाकाली का रूप धारण करती है, असुर संहारिणी कही जाती है, असुरों का संहार करती है। इस दुनिया में आठ के अलावा बाकी सब क्या हो गए? पुरुषार्थी है, सारे व्यभिचारी जीवन बिताने वाले हो गए, कोई अपनी करनी से चूकता नहीं है। तो ऐसी विविचारिणी दुनिया में वो माँ के रूप में पार्ट बजाती है, ऐसे विषैले बच्चों को भी गोद में धारण करती है, उनकी पालना करती है। तो विषय विकार से होता है विनाश, क्या विविचार से क्या होता है? दुनिया का विनाश होता है, और अब विविचार से नई दुनिया की स्थापना होती है। इसलिए यहां बोला हुआ है कि ब्रह्मा सरस्वती सुफ्र लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जो ब्रह्मा सरस्वती सुफ्र लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो जिस नंबर के ब्रह्मा सरस्वती उसी नंबर के लक्ष्मी नारायण। उनका संबंध देखो कैसा है, इनका ब्रह्मा सरस्वती का, वो उनकी क्या है? बेटी है, है तो बेटी ना, सरस्वती ब्रह्मा की क्या है? बेटी है, चाहे बेसिक में है तो क्या है? अरे बेसिक में भी बेटी है, ओम राधे क्या थी? बेटी थी। और एडवांस में भी पहले पहले ज्ञान कौन लेती है? अरे जगदम्बा ही तो पहले पहले ज्ञान लेती है एडवांस में, भले बच्ची है तो बेटी हुई ना। तो बोला उनको संबंध देखो कैसा है। 76 में प्रजापिता की एज भी पता है, मुरली में तो बता दिया, कोई 20 साल कोई 25 साल के, उस हिसाब से 42 और 47 में उनका जन्म साबित होता है। तो प्रजापिता की एज 76 में क्या हो गई? 34, 35। तो कहां 35 साल और कहां 9 साल की बच्ची। मम्मा ने शरीर कब छोड़ा था?
ओम राधे मम्मन 65 में शरीर छोड़ा और थोड़े समय के बाद उनके स्थान पर पार्ट बजाने वाली वो मम्मा ज्ञान में आ गई। जैसे कि दादा लेखराज ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा और उसी वर्ष जो ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाला मुख्य पार्टधारी है वो भी उसी वर्ष ज्ञान में आ जाता है। इस संसार रूपी जंगल में शेर शेरनी कभी खाली नहीं रहते। 75 में 76 में दोनों ही आत्माएं मौजूद हो गई, प्रजापिता ब्रह्मा भी और वो माता भी। उनको देखो संबंध कैसा है, तो दुनिया इन बातों को तो जानती नहीं है। क्या दुनिया क्या समझती है? दुनिया ब्रह्मा सरस्वती का संबंध क्या समझती है? ब्रह्मा सरस्वती पर फैदा हुआ, फैदा होने का तुम क्या लगाते हैं? गंदे तरीके से लगाते हैं या अच्छे तरीके से लगाते हैं? गंदे होके गंदा तरीके से लगाते हैं। वास्तव में 84 जन्मों के बाद वो आत्माएं तमो प्रधान बन जाती हैं। कौन आत्माएं? जो आदि में सतो प्रधान थे वो अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर बाप आकर उनमें प्रवेश करते हैं। इनमें आकर प्रवेश करते हैं ब्रह्मा सरस्वती, एक जन्म में पुरुषार्थ करके फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण, अब लक्ष्मी नारायण एक का गायन है विष्णु के मंदिर में या चार आत्माओं का गायन है? जहां जहां लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने हुए हैं भारतवर्ष में, वहां वहां डबल मंदिर बनाए गए हैं। एक नर नारायण का मंदिर अलग होता है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में और एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर अलग होता है। तो जो नर नारायण का विष्णु का मंदिर है उसमें कितनी आत्माएं साबित होती है? विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली नर नारायण चार आत्मा। तो ये चार आत्माओं की यादगार बताई कि पुरुषार्थ करके फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जगत पिता जगदम्बा को भी क्या कहेंगे? लक्ष्मी नारायण से ऊंच पद नहीं है तो कम से कम नीच पद भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो स्वर्ग के मालिक होते और जगत पिता जगदम्बा कहां के मालिक हुए? सारे जगत के मालिक। बाप कहते हैं जो वो है सो तुम हो, माना तत् तुम, तत् माने हुआ, तुम माने सामने वाला। तत् किसको कहा? तत् माने वह, वह माने दूर, माने सत्युग में जो लक्ष्मी नारायण जन्म लेंगे वो भी वो ही है और तुम भी वो ही हो, उनसे कोई कम मर्तबा तुम्हारा नहीं है। कितनी गुहे बातें हैं, बाकी शास्त्रों में क्या है? वो तो उतरती कला के शास्त्र हैं, उन उतरती कला के शास्त्रों में सच्चाई साबित नहीं होती। ओम शांति।